उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर के कत्ल के राज से पर्दा उठ चुका है। पुलिस ने हत्या के आरोप में बुधवार को रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने अपूर्वा को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त आयुक्त राजीव रंजन ने कहा कि 16 अप्रैल को रोहित और अपूर्वा में मारपीट हुई, इस दौरान अपूर्वा ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक एक महिला के साथ शराब पीने को लेकर रोहित और अपूर्वा में बहस हुई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपूर्वा 16 अप्रैल को रोहित के कमरे में प्रवेश किया और इस अपराध को अंजाम दिया, उसके बाद सबूत नष्ट कर दिए। यह सब एक डेढ़ घंटे के भीतर हुआ। पुलिस के मुताबिक अपूर्वा ने अपराध कबूल कर लिया गया है। तथ्य और परिस्थितियों से अब तक ऐसा लगता है कि हत्या की योजना नहीं बनाई गई थी। पृष्ठभूमि यह भी उनकी शादी में शांति नहीं थी और शेखर और उनका परिवार अलग होने की सोच रहा था। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील अपूर्वा से पिछले रविवार से हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। अधिकारी ने कहा है कि अपूर्वा के बयानों के विसंगत पाई गई, जिससे पुलिस को उन पर शक हुआ। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद भी था। PM News 24 की रिपोर्ट।